अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चस्का विद एमएच। एमएच मींस मिना हलफीज। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग शो यू हाउ टू मेक अ वेरी डिलीशियस एंड वेरी यूनिक रेसिपी ऑफ चिकन शाशलिक स्टिक्स। तो ये रेसिपी जो है वो रमज़ान के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसको खा के जो है वो आपको बहुत लाइट फील होगा, एज वी डिडंट यूज़ मैनी स्पाइसेस इन दिस रेसिपी। सो मेक श्योर यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो अंटिल द एंड। तो सबसे पहले आपको चाहिए है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरह के क्यूब्स में या डाइस करवा लिए, इस तरह जो है वो हमने थिक क्यूब्स में कटवा लिए बोनलेस चिकन को। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और यू कैन ऐड सॉल्ट टू टेस्ट। और सॉल्ट के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, एंड दिस इज 1/2 टीस्पून ऑफ वाइट पेपर पाउडर, इसको भी हम स्प्रिंकल कर देते हैं ऊपर। एंड हियर इज माय फेवरेट स्पाइस, 1 टीस्पून ऑफ माय एमएच मसाला, इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी। एंड नाउ आई बी एडिंग अबाउट 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, और योगर्ट को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें सो दैट देर इज़ नो लम्ब्स। तो योगर्ट जैसे ही आपकी डल जाए तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अबाउट अ फ्यू टेबलस्पून्स ऑफ क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून्स ऑफ कुकिंग क्रीम लिया, आप चाहें तो आप हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ आई ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ माय एमएच ग्रीन चटनी, तो ये मिंट वाली चटनी जो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। और अब हम अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब जो है मैं ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद जो है वो हम इसको अब रख देंगे रेस्ट के लिए फॉर अबाउट 1 आवर, एंड इन द मीन टाइम वी कैन सीजन आवर वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए मैंने लिया है बेल पेपर्स ऑल 3 कलर्स की, अनियंस और चेरी टमाटर्स। वेजिटेबल्स को मैंने डाइसेस में कट किया। उसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, इनके ऊपर जो है वो हम डाल देंगे। और ऊपर से जो है वो मैं थोड़ा सा विनेगर भी डाल दूँगी अबाउट 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉरी। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन जो था वो मेरा अबाउट 1 आवर की रेस्ट के बाद मैंने इसको पैन पे डाल दिया है। यहाँ मैं ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ, और इसको जो है वो मैं हर साइड पे अबाउट 2 मिनट्स के लिए पकाना है। एंड इसके लिए ऑयल मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया। एंड द रीज़न व्हाई वी आर मेकिंग द चिकन फर्स्ट इज़ क्योंकि अगर हम पहले जो है वो चिकन को और वेजिटेबल्स को इकट्ठे चूल्हे पे बनाएंगे, इससे क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो ओवर कुक हो जाती हैं और वो फ्रेश नहीं लगती। इसलिए हम चिकन को सेपरेटली बनाएंगे और बाद में इनको इकट्ठा करके हम ओवन में बेक करेंगे। इससे वेजिटेबल्स हमारी क्रंची भी रहेंगी एंड वो कुक भी होंगी एंड ओवर कुक भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो है चिकन हमारा कुक हो चुका है, उसको मैंने एक और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जो है वो हम चिकन को स्मोक दे देते हैं, जिसके लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल रख लिया है सेंटर में, और उसके ऊपर से जो है वो हम हॉट कोल रख देंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन ड्रिजल अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, और जैसे ये स्मोक निकले तो आप फौरन जो है वो इसको कवर करके अबाउट फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकंड्स के लिए छोड़ दें अंटिल द चिकन अब्सॉर्ब्स द फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पे जो है स्टिक्स तैयार कर ली हैं मैंने, ये ऑर्डर जो है वो मैंने फॉलो किया है इंग्रेडिएंट्स का। आप जैसे मर्ज़ी चाहें अपनी स्टिक्स को अरेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ पहले और एंड पे लगा सकते हैं। एंड आप ये स्टिक्स को तैयार करके रख सकते हैं और इफ्तार से कुछ देर पहले जो है वो आप इनको बेक कर लें, तो इससे जो है वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो अब जो है हम इसको बेक करते हैं। तो यहाँ पर अवन मैंने अपना प्री हीट कर लिया है, तो अब जो है हम अपने पैन को अंदर डाल देते हैं, और इसको आपने बेक करना है 200 डिग्रीज पे ओनली फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि हमने सिर्फ कलर देना है, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन जो हमारा पका हुआ है और हमने बस वेजिटेबल्स को कलर देना है। एंड देयर अल्हम्दुलिल्लाह आवर वेरी डिलीशियस एंड वेरी क्विक चिकन शाशलिक स्टिक्स आर रेडी। तो आप जैसे इसको ओवन से निकाल लें, आप इसको जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ इन्जॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे आप साइड पे इसको केचप या चटनी के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं। सो मेक श्योर यू डू ट्राई दिस रेसिपी, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आया था।
So do try this recipe, and if you do, then don't forget to give me your feedback. And anyways, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. If you did, then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. And I will see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice day.